हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच का लेक्चर नंबर नाइन, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आप सभी लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, वरना आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे किया जाता है। लेकिन इसको करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है वो पहले करना है, वो है रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। मतलब किसी भी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है। तो उसको देखो ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे पास ए बाई बी क्या है, एक फ्रैक्शन गिवन है। इस फ्रैक्शन में ये ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है, एन मतलब न्यूमरेटर और डी मतलब डिनोमिनेटर। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो यहाँ क्या होगा, डी जो बी नीचे था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे को 2/5 दे रखा है, इसका अगर हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इजिकल कितना हो जाएगा, 5/2। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी रेसिप्रोकल को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार क्वेश्चंस दिए आप लोगों को करने के लिए, उसको करके देखते हैं। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। तो जब कभी पेपर में आए तो उसको करना कैसे, तो हम लिखेंगे क्या, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7/3। ऐसे यहां क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज इक्वल हो जाएगा 5/1। और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम ऑलरेडी ओनली क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां देखो ओनली 6 गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख लें, 6/1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 से डिवाइड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 6/1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/6। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये मिक्स्ड में गिवन है, पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 8 3 = 24 + 5 कितना हो गया, 29 डिवाइड बाई 8 हो गया। तो अब हमें निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 29 डिवाइड बाई 8, तो कितना आएगा, 8/29। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारे को पढ़ना है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन डिवीजन को पढ़ाने से पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाना है आप लोगों को। आप लोगों ने प्लस और माइनस समझ रखा होगा, आता होगा आप लोगों को करना भी। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, प्लस और माइनस ये क्या होती है, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेसेज है, ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो कि एक हमारे पास 5 एक नंबर है, ये फिक्स कर लिया कि ये मेरे पास नंबर था, इस नंबर में मैंने 2 ऐड किया, कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब हमारा जो रिजल्ट मिला, हमें क्या मिला, 7 मिला। अब जो रिजल्ट मिला है हमारे को, उसमें से हमने जितना ऐड किया था ना, वापस से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 7 में से वापस से जितना ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या हम पहले ही जहां थे वहीं पहुंच गए क्या। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 आया, फिर 7 में से जितना ऐड किया था हमने 5 में, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वापस से 5 आ गया। मतलब ये एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हो रही है, जितना ऐड करोगे उतना ही वापस से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाली कंडीशन ही बन जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई और जो डिवाइड होती हैं, ये भी एक दूसरे के क्या होती हैं, रिवर्स प्रोसेसेस होती हैं। मैं क्यों समझा रहा हूँ, अभी एक लाइन बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ये भी एक दूसरे की क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे 5 गिवन है, हमारा फिक्स है 5, हमने सोच रखा है कि 5 हमारा नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आया रिजल्ट, 20 आया। इस 20 को जितने से हमने मल्टीप्लाई किया था ना 5 को, उतने से वापस से डिवाइड करूँ, कितने टाइम होगा, 5। क्या हमें वापस से वही रिजल्ट मिल गया क्या, यानी हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेसेस है। तो जब कभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो हम सोच सकते हैं कि रिवर्स करके अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो डिवाइड कैसे किया जाता है, जैसे मान लो कि a बाई बी एक नंबर है, इसको डिवाइड करना है c बाई डी से,
अब मैंने अभी बताया डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे। भाई ये ए बाई बी तो ऐसे कैसे, डिवाइड को क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई, और इस वाले नंबर का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है रिवर्स प्रोसेस है, तो उल्टा काम कर रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डी ऊपर चल जाएगा, सी नीचे। अब ये बन चुका है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता ही है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और अगर ऊपर नीचे कोई डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब देखो मैं करके बताता हूँ एक एग्जाम्पल। हमें बोला है कि डिवाइड 3/4 / 2/3, हमें क्या करना है, 3/4 को 2/3 से डिवाइड करना है। पहले तो इसको लिख लो, इसका मतलब है 3/4 डिवाइड करना है किससे, 2/3 से। अब डिवाइड करने का क्या रूल है, 3/4 ऐसे कैसे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3/2। ऊपर कितना हो गया, 3 × 3 = 9, ऊपर नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 × 2 = 8। अब चाहो तो आप लोग इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 and 1/8 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन चार क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस को भी मैं सोल्व करके बताता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो देखो ये जो साइड में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, इसको आप लिख लिया करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों बनाई जाती है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ जो भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी चीज़ अलग से दिखे उसको क्लाउड बना के आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे अगले नंबर का, जिससे डिवाइड करें उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 times और ये 3 times, अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। ऊपर तो कितना हो गया, 4 × 2 = 8 आ गया, नीचे 3 × 5 = 15, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8/15। ये प्रॉपर में गिवन है इसलिए इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर नहीं सकते हम लोग। ऐसे इसको देखो, तो सबसे पहले 10 के नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होगा, 5/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, ये कितना हो जाएगा, 1/10। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ऊपर 1 और 1 बचा मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, नीचे 7 और 2 बचा मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आया, 1/14। ऐसे अब इसको पहले मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे देखते हैं। तो पहले स्टेप खत्म करते हैं, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने वाली, 5 × 5 = 25, 25 + 3 कितना हो गया, 28, डिवाइड बाई 5, डिवाइड करना है कितने से, 10 × 20, 20 और 1 = 21 डिवाइड बाई 10। अब आगे क्या करेंगे, इसको 28/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और अगला वाला रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/21 हो जाएगा। देखो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 7 × 3 = 21 और 7 × 4 = 28, ऊपर क्या बचा, 4 × 2 = 8 और नीचे 1 × 3 = 3, आगे सिंप्लीफाई करोगे, 3 से 2 times डिवाइड हो रहा है, 6 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, वो ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 3, तो इसका जो डिवाइड आएगा होगा, रिजल्ट आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 and 2/3। आगे देखो इसको करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15 को 6 से करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 15 को 5 से करोगे तो कितने टाइम होगा, 75, 6 से करोगे तो 90 और 7 से करोगे 105 आएगा, 105 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 315 डिवाइड बाई 7 डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितने टाइम होगा, 1 time होगा, 1 को जब 7 मल्टीप्लाई करो 49 को 1 से तो 49 आएगा, 49 में 23 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 72, नीचे कितना है, 49। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, 49 ऊपर 72 नीचे। अब देखो सॉरी एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, यहाँ एक चीज़ गलती हो गई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 105 आएगा, इसको ऐड करना है, मैंने गलती से इनको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इनको ऐड करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 105 आएगा, 105 में 3 ऐड करना है तो यहाँ आएगा 108, वो गलत हो गया था, उसको आप लोग इरेज कर देना, आप लोगों ने अगर साथ साथ लिख रहे हो तो, यहाँ कितना आएगा, 108। अब देखो डिवाइड हो रहा है तो करते हैं, ये इतने कितने टाइम हो गया, 7 times। अगर आप लोगों को टेबल्स याद रहती है तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, 36 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर छोटी टेबल याद है, 12 की टेबल याद है तो उससे कर लो, 12 से ये 6 times होगा, 12 से ये 9 times हो जाएगा, फिर ये 3 से 2 times हो जाएगा, ये 3 से 3 times, तो ऊपर कितना आ गया, 3 और 7 = 21 और नीचे 1 × 2 = 2, जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 10 times होगा,
फिर वन बचा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे टू आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 10 and 1/2। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करें, तो पहले इसके नीचे 1 लगा लो, फिर 24/1 मल्टीप्लाई बनेगा और अगले वाले का रेसिप्रोकल 7/6, 6 1 6, 6 4 24, ऊपर क्या बना 4 × 7 = 28 और नीचे 1 × 1 = 1 आएगा, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 28/1 और जिसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि डिवाइड के ऊपर किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 and 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ₹236 and 1/4, फाइंड इट्स कॉस्ट पर लीटर। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि इतने लीटर कॉस्ट की, इतने लीटर आप लोगों ने दूध खरीदा है, ठीक है, मिल्क परचेज किया कहीं से, उसका खर्चा इतना आता है। इसको ऐसे समझ लो, मैंने बोला कि 4 लीटर जो दूध है वो ₹200 में आता है, तो बताओ 1 लीटर कितने का आएगा। सिंपल से बता सकते हो कि ₹50 का क्या आएगा, 1 लीटर आएगा। तो 50 कैसे आया, टोटल कॉस्ट कितनी थी 200 रुपीस, टोटल हमने कितना खरीदा 4 लीटर्स, हमने 200 में जितना खरीदा उसका डिवाइड कर दिया, 200 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिला 50 मिला। तो क्या यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्या सेम यही यहाँ भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इतने लीटर की, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 5 and 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क वो कितनी होगी, बराबर ₹236 and 1/4। इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, देखो 236 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 टाइम मतलब यहाँ पे आएगा 24 का 4 कैरी कितना आएगा 2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 2 कितना हो गया 14, 1 और ये कितना हो गया 9, और नीचे 1 8 भी करेंगे इसके अंदर, 441 में 1 8 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 945/4, इतने रुपए आएंगे अगर हम लोग कितना दूध खरीदते हैं 5 and 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर हम परचेज करते हैं तो इतना खर्चा आएगा। लेकिन हमें इतना थोड़ी ना करना था, हमें तो क्या पता करना, फाइंड कॉस्ट पर लीटर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क, पर लीटर ऑफ मिल्क। तो अभी मैंने क्या समझाया कि अभी हमारे को 4 लीटर दूध की कॉस्ट कितनी गिवन थी, ₹200 गिवन थी, तो 1 लीटर की फाइंड करनी थी, वो कितनी आई थी 50। वो कैसे फाइंड की थी, 200 में हमने 4 का डिवाइड किया था, यानी टोटल कितना खरीदा और टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल कितना खरीदा उससे डिवाइड कर दिया था, तो 1 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ, यहाँ टोटल कॉस्ट अपॉन मिल्क परचेज्ड, ठीक है, मिल्क बाय, या इसको ऐसे लिख दो भाई, हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं भाई, हमारे को 1 लीटर की कॉस्ट पता करनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है हमारी, इतनी, खरीदा कितना था हमने इतना, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, 5 5 = 25 और 2 कितना होगा 27/5। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, 27/5 से, तो हमारे को 1 की कॉस्ट मिल जाएगी। अभी जैसे मैंने अभी समझाया कि भाई 4 लीटर की जो कॉस्ट आ रही थी वो कितनी थी, ₹200 थी, 1 लीटर की कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगा, 200 को हमारे को डिवाइड कर देना 4 से, तो कितना आएगा ₹50। तो यहाँ भी यही कर रहे हैं, इतने लीटर की कॉस्ट इतनी है तो 1 लीटर के निकालने के लिए जितना खरीदा उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो कुछ ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो देख लेते हैं, कर लेते हैं, ये दोनों देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 9 टाइम हो रहा है, ये 315, फिर ये वापस से 3 से डिवाइड हो रहा है, ये कितने टाइम, 1 टाइम 05 टाइम, फिर ये वापस से 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना 35 टाइम। तो ऊपर क्या बचा 35 × 5 और नीचे क्या बच गया 4, मल्टीप्लाई करो 5 5 = 25, कैरी कितना आएगा 3 5 3 = 15 और 2 कितना हो जाएगा 17/4। इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, मैं यहाँ कर देता हूँ,
डिवाइड करो, फोर टाइम होगा 16, बचा वन, वन के आगे फाइव नोट करोगे 15, थ्री टाइम होगा, बचा कितना 3, वो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, यानी कि 43 एंड 3 बाई 4 रुपीज़ एक लीटर की कॉस्ट है। तो लास्ट में लिख देना हैंस कॉस्ट ऑफ पर लीटर ऑफ मिल्क कितनी होगी, इतनी होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो, ए रोप ऑफ लेंथ 13 एंड 1/2 मीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। हमारे पास एक कोई रोप है, इमेजिन करो सिचुएशन, इमेजिन करो ये हमारी रोप है, इस रोप की जो लेंथ है ना वो कितनी है, 13 एंड 1/2 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 27/2 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसके इसको 9 इक्वल पीसेज में, सेम लेंथ के पीसेज में डिवाइड किया जाता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 इक्वल पीसेज कर दिए हमने इसके। अब हमें ये बताना है लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी ये एक पीस है ना ये वाला, ये पीस कितनी लेंथ का होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें टोटल लेंथ पता है, इसको ऐसे समझो हमारे पास टोटल 9 मीटर लेंथ की एक रस्सी है, उसके हमें 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो कितने कितने के होंगे, 1 1 मीटर के होंगे, तो ईच पार्ट यानी हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो हमने क्या किया, 1 कैसे आया, टोटल लेंथ कितनी थी 9 मीटर, कितने पीस किए हमने, 9 पीस किए, उससे डिवाइड कर दिया तो कितना आया 1 मीटर। क्या डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइड करने पे आ रहा है, तो इसीलिए तो हमने डिवाइड में ये वाली प्रॉब्लम ली है, वरना हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इस प्रॉब्लम को देख सकते थे, यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी, 27/2 मीटर्स। उसके बाद में हमारे को क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीसेज 9 है। देखो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 9 है, तो हमें तो पर पीस की लेंथ निकालनी है ना, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ पर पीस वो कितनी होगी, टोटल लेंथ को हमें क्या कर देना है, जितने पीसेज है उससे डिवाइड कर देना है, तो हर पीस की लेंथ आ जाएगी। अब इसको सोल्व कैसे करें, नीचे 1 लगा लो, 27/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के 1/9 कर देंगे, 9 1 9 9 3 27, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना है 2, या तो इतना ही छोड़ दो या इसको कन्वर्ट कर लो कि इसमें मिक्स्ड में, तो कितना आएगा 1 टाइम डिवाइड होगा, बचेगा 1, वो ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, यानी एक पीस कितने मीटर लेंथ का होगा, 1 एंड 1/2 मीटर लेंथ का होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और हमारे को नेक्स्ट स्लाइड पे करने हैं, उसी के साथ हमारा चैप्टर के साथ ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बोला, बाई सेलिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 एंड 3/4 पर मैंगो, पानी आ रहा है मेरे मुंह में मैंगो देखा नाम सुनते ही, तो ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बाई सेलिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 एंड 3/4 पर मैंगो, यानी एक मैंगो को कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है या वेंडर है जो कि गली में फेरी लगाने के लिए आता है, वो क्या कर रहा है, एक मैंगो कितने रुपए में बेचता है, इतने में, और ऐसा बेच के वो टोटल कितने रुपए कमाता है, 378 रुपीज़ वो गेट करता है, यानी कि उससे कमाता है। हमें ये बताना है हाउ मेनी मैंगोज डज ही सेल, उसने कितने मैंगो बेचे या कितने मैंगो उसको बेचने पड़ेंगे। इसको ऐसे समझ लो, एक मैंगो 5 रुपए का आता है, मैंने मैंगो बेच के 20 रुपए कमाए, अब बताओ मैंने कितने मैंगो बेचे होंगे, मुझे पता है एक मैंगो 5 का जाता है, 2 मैंगो 10 के जाएंगे, 3 मैंगो 15 रुपए में जाएंगे, और 4 मैंगो कितने में, 20 रुपए में जाएंगे, यानी 20 रुपीज़ में, यानी मुझे 4 मैंगोज को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, अगर मुझे 5 रुपए के हिसाब से एक मैंगो बेच के 20 रुपए कमाने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला, 4 मैंगो बेचने पड़ेंगे, कैसे आया, टोटल कितने कमाए मैंने 20, कितने रुपए में बेचा एक मैंगो, 5 रुपए में, 20 में मैंने 5 से डिवाइड किया, तभी तो जाके 4 मैंगो बेचे वो पता चला मुझे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या, अब क्वेश्चन को समझो कि एक मैंगो इतने रुपए में बेचता है, इतने रुपए कमाता है, हमने अभी एक मैंगो 5 रुपए में बेचा था, कितने रुपए कमाए थे, 20 रुपए कमाए थे, तो हमें टोटल कितने मैंगो बेचे वो इसने पूछे, हमने 4 बेचे थे, इसका आंसर कितना आएगा,
टोटल कितना कमाया उसने, उसमें से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक मैंगो की कॉस्ट को। आई होप आप लोग ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ पर मैंगो या सेलिंग प्राइज ऑफ पर मैंगो वो कितनी है, 6 and 3/4 रुपीज। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 24 + 7 3 कितना हो गया, 27/4 रुपीज। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में टोटल मनी अर्नड बाय मैन वो कितनी थी, कितना कमाया वो, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, टोटल मनी अर्नड बाय मैन कितनी है, 378। तो हमारे को तो क्या निकालना था, टोटल मैंगो कितने उसने सेल किए। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड वो कितने होंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है, कितना कमाया उसने, इतना कमाया और एक की कॉस्ट कितनी है, 27/4 इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 378/1 इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, ये 4/27। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है, तो देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9 times, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 time, 2 time और 6 time, फिर से ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3 times, ये हो गया 4 times और 2 times, 42 times। अब ऊपर कितना बच गया, 42 × 4 कितना हो गया, 8, 6 और नीचे कितना है 3, डिवाइड कर लो, 5 times डिवाइड होगा। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने, एक बार देख लेते हैं डेटा सही लिखा है ना, 27/3 यहाँ पे 24 + 3 27/4 सही है। इसको ऐसे डिवाइड किया हमने तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ कितना आया, देखो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ इसको और आगे भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 × 3 और ये 14 times हो जाएगा, तो ऊपर 14 बचा और एक 4 बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। यानी उसको टोटल 56 मैंगो सोल्ड करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे इस रेट से, तब जाके वो कितने रुपए कमाएगा, 378 रुपीज कमाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 2 questions और देखते हैं, उसी के साथ लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब हमारे को ये 2 questions और करने हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बाय व्हाट नंबर शुड 9 and 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। यानी ये ऐसा बोल रहा है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 मिल जाए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या 5 को, तब जाके क्या मिलेगा, 20। अब इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, बाई वॉट नंबर शुड 9 and 4/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट 42। यानी कि 9 and 4/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें कितना मिल जाए, 42 मिल जाए। क्या ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई, क्वेश्चन का क्या मतलब है। अब हमारे को नहीं पता वो नंबर क्या है तो कैसे निकाले, वो ध्यान से समझो। देखो तो हम कुछ मान लेते हैं उस नंबर को, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे कि लेट द नंबर Which should be multiplied, जिसको मल्टीप्लाई करना है, इज x, मान लो वो क्या है, x है, कुछ भी हो सकता है जो हमें निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोचे, क्वेश्चन में क्या है कि इस नंबर को हम अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमने माना है तो हमें क्या मिलेगा, 42। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ क्या होगा कि 9 and 4/5 मल्टीप्लाई एक्स बराबर क्या होगा, 42। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर हम देखो एक रूल समझते हैं। हमने ये सीखा है कि जब इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है, इधर जाके किस में आ जाता है, डिवाइड में। अब यहाँ देखो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे दो चीज़ें, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये क्या है, प्लस का, और ये साथ में इसके मल्टीप्लाई में भी है। तो जब भी एक नंबर जैसे यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है 2 × 3 लिखा हुआ है, तो ये नंबर प्लस 2 का नहीं कहलाएगा, ये नंबर किसका कहलाएगा, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है,
आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि यहाँ क्या है कि ये जो 9 एंड 4 बाई 5 है ना, ये मल्टीप्लाई में है किसके, x के। ये प्लस का तो है ही लेकिन ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इधर x बच जाएगा, उधर 42 और ये वाला पार्ट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 एंड 4 बाई 5। अब हमारे को डिवाइड करना है, 42 ऐसे कैसे, नीचे 1 लगा लो, मल्टीप्लाई को डिवाइड मतलब पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, 45 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, डिवाइड बाई 5। अब आगे सोल्व करो, 42 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 49 आएगा। अब देखो ये 7 से 6 टाइम डिवाइड हो गया, ये 7 से 7 टाइम डिवाइड हो गया, ऊपर कितना आ गया 30 आ गया, नीचे 7 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, 4 टाइम डिवाइड होगा, 28 रिमेनिंग कितना आएगा, 2 आएगा, वो ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर, नीचे क्या आएगा 7। यानी कि हमारे को इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे को क्या मिलेगा 42। इसको वेरीफाई भी करके देखते हैं। देखो हमारा नंबर क्या था, 9 एंड 4 बाई 5, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 एंड 2 बाई 7। कन्वर्ट करो, 49 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 30 बाई 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम डिवाइड होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम डिवाइड होगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 42। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया बिल्कुल सही निकल के आया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, यानी दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना है इतना। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 6 एंड 1/3, उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर इतना है तो हमारे को दूसरा नंबर फाइंड करना है। इसको ऐसे समझो, जैसे दो नंबर्स हैं, एक यहाँ दो नंबर्स लिखे हुए हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है मान लो 20, उसमें से एक नंबर मान लो 5 है, तो अदर नंबर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि नंबर कितना है, 4 होगा, तो यही हमें फाइंड करना है। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी इसका और इसका प्रोडक्ट इतना है वो दिया हुआ है, इनमें से एक नंबर 5 हमारे को गिवन है यानी कि यहाँ पे वो नंबर इतना दिया हुआ है, तो अदर नंबर ये 4 वाला हमारे को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन नंबर इज 6 एंड 1/3, लेट द अदर नंबर बी, अदर नंबर बी एक्स, मान लो दूसरा नंबर कितना एक्स है, इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, 19/3 आएगा, 3 6 18 प्लस 1 19 अपॉन 3, दूसरा नंबर एक्स है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है बराबर ये 15 एंड 5/6। कन्वर्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा, 90 में 5 ऐड करोगे 95/6, ये इतना दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोचे हम लोग, तो यानी ये नंबर था एक और एक दूसरा, ये मान लिया हमने, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 19/3 मल्टीप्लाई एक्स बराबर कितना आना चाहिए 95/6। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हमें एक्स निकालना है, ये 19/3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर एक्स बचेगा 95 डिवाइड बाई 6 डिवाइड 19/3, 95/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 95, 19 1 जा 19, 19 5 जा 95 हो गया। ऊपर क्या बचा, हाँ सही है 95, ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बचा 2, डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, नीचे 2 आ जाएगा। मतलब अगर हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, करके देख लेते हैं वेरीफाई इसको। देखो यहाँ करके बता देता हूँ वेरीफाई इसको, देखो पहले कितना था 5/2, मल्टीप्लाई करो किससे 19/3 से, ऊपर नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 95, नीचे कितना आएगा 6, इसको डिवाइड करो 15 टाइम डिवाइड होगा, 5 रिमाइंडर आएगा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 6, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा फ्रैक्शन वाला टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आप लोगों एनसीईआरटी बुक आप लोगों के स्कूल में चलती है तो आप लोगों के क्या होगा, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स एक ही चैप्टर में गिवन है। मैं क्या करूँगा, डेसिमल्स को एक अलग लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, इससे पहले मैं क्या करूँगा इंटीजर्स वाले टॉपिक को आप लोगों को पूरा हुआ करूँगा जो आपका पहला लेक्चर है। मैंने सेकंड लेक्चर इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को एक एलसीएम वगैरह लेना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, इसका एक बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स को लेंगे,
इंटीजर्स को लेने के बाद में हम लोग डेसिमल्स या फिर रैशनल नंबर्स वाले टॉपिक को पिक करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके साथ ही पूरी सीरीज को देखिए, फ्रैक्शंस के सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। कोई भी आप लोगों को कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम, एक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।